हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप भी इन्फोसिस में अपनी जॉब कट को लेकर ज्यादा सीरियस हो और आपको लगता है कि जेनरेटिव एआई आने से आपके जॉब कट हो जाएंगे, तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो इन्फोसिस के सीईओ हैं, उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि क्या आपके जॉब कट होंगे या नहीं होंगे। इस पे सब कुछ गाइस हम लोग इस वीडियो में डिटेल समझने वाले हैं। आप सबको अभी पता होगा कि आईटी इंडस्ट्री में ब्रॉडर टेक लेऑफ चल रहे हैं, जो कि गाइस ये जेनरेटिव एआई एडवांस एडवांसमेंट में आने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो गाइज, आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि आपके जॉब कट हो सकते हैं इन्फोसिस में, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। मैं गाइज आपको वन बाय वन करके सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा गाइज, कुछ जो इन्फोसिस के परफॉर्मेंस बोनसेज होते हैं, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो आपको एंड तक वो भी देखने को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइज, ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइज, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक देखना, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता चल सके। जो भी डाउट हो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, तो गाइज आप इस चैनल पे आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो गाइज सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइज, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सबको पता होगा कि इस टाइम जो आईटी इंडस्ट्री है, इसमें एडवांसमेंट में एक जेनरेटिव एआई आ चुकी है, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे इंप्लॉई हैं अदर आईटी कंपनी में जिनके जॉब कट हो रहे हैं। इनको गाइज जेनरेटिव एआई आने से की वजह से निकाल दिया जा रहा है। लेकिन गाइज, जो इन्फोसिस के इंप्लॉई थे, इसको लेकर ज्यादा चिंतित थे। इनको ऐसा लग रहा था कि हमारे भी जॉब कट हो सकते हैं, हमारी भी जॉब जा सकती है। लेकिन गाइज, जो इन्फोसिस के सीईओ सलील परेख हैं, उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि जेनरेटिव एआई आने की वजह से किसी भी इम्प्लॉय की जॉब कट होने नहीं जा रही है। जहां तक बात रही, तो ये जो टूल है, इसको आने की वजह से ज्यादा से ज्यादा हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए देख रहे हैं, ना कि हम जॉब को कट करने के लिए देख रहे हैं। इनकी जो हायरिंग की ट्रेंड है, हर साल हायरिंग करना, उसको मेंटेन रखने के लिए गाइस ये ज्यादा ज्यादा चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी और ज्यादा क्रिएट हो, जिससे और ज्यादा इंप्लॉय को फायदा हो सके, फ्रेशर्स को फायदा हो सके। तो ये गाइस आप लोगों के सबसे बड़ी अपडेट है, जो जो इन्फोसिस के सब सीईओ हैं, उन्होंने दिया हुआ है ये अपडेट। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। तो आप लोग को बिल्कुल भी अब डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गाइस, जो भी डिटेल्स हैं, उसको हम लोग स्क्रीनशॉट के थ्रू, मेरे पास कुछ अपडेट है, उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना और एंड तक देखना, क्योंकि जो मेन मेन अपडेट है आगे आपको देखने को मिलने वाले। तो गाइस, जो भी इन्फोसिस के एम्प्लॉय है, उनके लिए सीईओ की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट कंफर्म की गई है, जिसको लेके जो इम्प्लॉय, ये ज्यादा डर लग रहा था उनको कि ये जेनरेटिव एआई आने से इनकी जॉब कट हो सकती है, टेक लेऑफ्स हो सकते हैं। तो गाइस, इसके बीच में उन्होंने बोला हुआ है कि जो इंडस्ट्री में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं टेक लेऑफ्स, उसके लिए के बीच में नो जॉब्स कट्स इन व्यू अमिड ब्रॉडर टेक लेऑफ इन द इंडस्ट्री, ऐसा जो सीईओ है उन्होंने कंफर्म किया है। आगे गाइज, इन्होंने बोला हुआ है, इन्फोसिस सीईओ सलील परेख रीअश्योर्ड दैट कंपनी हैज नो प्लान टू कट जॉब डिस्पाइट सिग्निफिकेंट लेऑफ्स इन टेक इंडस्ट्री ड्यू टू एडवांसमेंट इन जेनरेटिव एआई। इन रिसेंट इंटरव्यू विद सीएनबीसी टीवी 18 पे इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें सलील परेख ने इम्फेसाइज किया था कि इन्फोसिस विल नॉट फॉलो द ट्रेंड ऑफ डाउन सीजिंग। तो गाइज, आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आगे इन्होंने बोला हुआ कि परेख आउटलाइन इन्फोसिस स्ट्रेटेजी फॉर इंटीग्रेटिंग वेरियस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग जेनरेटिव एआई विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ही बिलीव्स दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी रेदर देन एलिमिनेट एग्जिस्टिंग जॉब्स। इनका ऐसा कहना है कि जो एडवांसमेंट में जेनरेटिव एआई आ रहा है, इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ये गाइस न्यू अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेंगे, ना कि जॉब को कट करने के लिए करेंगे। तो ये गाइस ऐसा उनका बोलना है। तो इन्फोसिस प्लान टू कंटिन्यू हायरिंग एंड डेवलपिंग एक्सपर्टीज इन जेनरेटिव एआई टू बेटर सर्व ग्लोबल इंटरप्राइज। तो गाइस ऐसा इनका बोलना है। आगे इन्होंने लिखा हुआ, व्हेन आस्क अबाउट अदर आईटी कंपनी डाउन सीजिंग, परेख सेड नो वी आर नॉट डूइंग एनी ऑफ दैट, इन फैक्ट अदर इन इंडस्ट्री हैव डन दैट, वी हैव बीन वेरी क्लियर दैट दैट्स नॉट अप्रोच वी आर टेकिंग, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। इन फैक्ट माई ऑन व्यू इज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑल टेक्नोलॉजी विल को एग्जिस्ट, ऐसा सबसे बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जो कि एम्प्लॉय के लिए सबसे एक गुड न्यूज की तरह ही देखा जा सकता है। वी एट इन्फोसिस आर वेरी स्ट्रांग एंड जनरेटिव एआई, एंड ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर वी विल हैव मोर एंड मोर पीपल ज्वाइनिंग अस हु बिकम
एक्सपर्ट्स इन जेनरेटिव एआई, ऐसा इनका कहना है कि हम लोग जो जेनरेटिव एआई को अप्लाई करेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज्वाइन करेंगे और ये जेनरेटिव एआई में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। वी विल बी सर्विंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। देख सकते हो इन्फोसिस रिसेंटली इशू परफॉर्मेंस बोनसेस टू इम्प्लॉइज। हाउ एवर अ रिसेंट रिपोर्ट हाईलाइट अ रिडक्शन इन एवरेज पे आउट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। तो ये भी गाइज आप लोग के लिए अपडेट है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आगे इसमें गाइज लिखा हुआ है इम्प्लॉई एट बैंड 6 एंड बिलो रिसीव क्वार्टरली परफॉर्मेंस बोनसेस फॉर जनवरी एंड मार्च, बट एवरेज पे आउट ड्रॉप टू 60% फ्रॉम 73% इन प्रीवियस क्वार्टर। तो गाइज ये इन्होंने जो बोनसेज हैं, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है उस पर गाइज इन्होंने बात किया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो अगर इन्फोसिस के इम्प्लॉई हो तो। इसके अलावा आगे इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति स्टेटेड दैट इंडिया हैज मेड सब्सटेंशियल स्ट्राइड्स इन अडेप्टिंग ग्लोबल इनोवेशंस बट स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू ओरिजिनेट अ न्यू टेक्नोलॉजी। ये भी गाइज आप लोग के लिए बड़ी अपडेट है, देख सकते हो यहाँ। ही सेड आई थिंक इंडिया हैज मेड डिसेंट प्रोग्रेस। वी हैव कम फ्रॉम अ टाइम जब ही कुड नॉट यूज द इन्वेंशन एंड इनोवेशन दैट वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द डेवलप वर्ल्ड 50 या 60 ईयर्स एगो। ये सारी चीज़ें हैं जो कि गाइज बताया गया है इंटरव्यू में। आगे इसमें गाइज आप देख सकते हो लिखा हुआ है टुडे थैंक्स टू ऑल वंडरफुल वर्क डन बाय गवर्नमेंट बाय आवर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग वी हैव रीच एन ऑर्बिट जहाँ वी आर इन पोजिशन टू यूज इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस दैट टेक प्लेस इन डेवलप वर्ल्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। ऐसा का ये सब चीज़ें जो है इंटरव्यू में ही बोला गया, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। लेकिन गाइज आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट जिसमें ये रही कि आप लोग की जॉब कट होने नहीं जा रहे हैं, ये गाइज आप लोग के लिए आज की सबसे बड़ी अपडेट है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से वर्क करो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। जेनरेटिव एआई आने से और ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। इसके अलावा गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछना। फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।